अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रो रिपेयरिंग्स। दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके घर में जो नॉर्मल स्टेबलाइज़र होता है, यानी कि जो पुराने मॉडल के जितने भी स्टेबलाइज़र्स हैं, उसमें आप अलग से 3 मिनट डिले सर्किट कैसे लगा सकते हैं। यानी कि दोस्तों, ये आपके सामने एक 3 मिनट की डिले सर्किट मौजूद है, ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी और ये कोई इतनी ज़्यादा महंगी भी नहीं होती है। ये आपको तकरीबन 70-80 या 100 रुपये तक के करीब मिल जाएगी। तो दोस्तों, इसे आप अपने घर के पुराने मॉडल के स्टेबलाइजर्स में कैसे लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये सर्किट आप अपने पुराने मॉडल के स्टेबलाइजर्स में भी लगा सकते हैं। और अगर आपका जो स्टेबलाइजर का सर्किट है, यानी कि जो वो 3 मिनट का सर्किट होता है, उसकी जो आईसी है वो डैमेज हो जाती है या उसका जगह कोई इतना ख़राब हो जाता है कि उसमें आप उसको दोबारा रिपेयरिंग नहीं कर सकते, तो दोस्तों इसीलिए आप उसको रिपेयरिंग करने की बजाय बहुत ही आसानी से ये 3 मिनट की सर्किट आप इसमें लगा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये सर्किट के बारे में बता दूँ। दोस्तों, ये सर्किट बिल्कुल आसान तरीके से बना हुआ है, जो आपको नज़र भी आ रहा होगा कि इसमें एक रिले, एक वेरिएबल और टाइमर आईसी और उसके अलावा कैपेसिटर, रेजिस्टेंस और डायोड वगैरह यूज़ किए गए हैं। तो दोस्तों, इसमें नॉर्मली आपको इनपुट के टोटल 5 पिन नज़र आएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये 2 पिन जो आपको अलग से नज़र आएगा, ये इनपुट है, यानी कि इसमें हम 12 वोल्ट अपना जो है इनपुट करेंगे। और जो ये 3 पिन है, इसमें हमारा मेन सप्लाई कनेक्ट होगा, यानी कि जो इन 3 पिन है, इसमें हमारी जो है वो 220 की लीड, यानी कि बिजली की तार लगेगी। तो दोस्तों, ये कनेक्शन कैसे होगा, इसके बारे में मुकम्मल तौर पर अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से ये 3 मिनट की जो सर्किट है अपने इस स्टेबलाइज़र में इंस्टॉल कर सकते हैं या लगा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखा दूँ कि मेरे पास जो स्टेबलाइज़र्स अभी मौजूद है, उसकी जो सर्किट है वो बुरी तरीके से डैमेज हो चुकी है। यानी कि जो उसका 3 मिनट वाला सेक्शन है, ये डिले सेक्शन है, ये मुकम्मल तौर पर डैमेज हो चुका है, इसमें जंग लग चुके हैं, इसके जो पार्ट्स हैं वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ख़राब हो चुके हैं। तो दोस्तों, अगर मैं इसको दोबारा रिपेयरिंग करने की कोशिश करता हूँ तो ये मेरा ठीक तरीके से काम नहीं करेगा और मुझे बहुत परेशानी होगी। तो इसको रिपेयरिंग करने से अच्छा है मैं इसमें ये 3 मिनट की सर्किट इंस्टॉल कर दूँ। दोस्तों, इससे मुझे आसानी भी होगी और ये कम्फर्टेबल भी रहेगा, यानी कि ये ज़्यादा बेहतर भी रहेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखा दूं कि मेरा जो स्टेबलाइजर्स है वो अभी बिल्कुल डायरेक्ट है, यानी कि इसमें कोई डिले टाइमिंग नहीं है। जैसे ही मैं इसका जो प्लग है वो मेन स्विच में लगाता हूं तो ये डायरेक्ट ऑन हो जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरा ये स्टेबलाइजर है, उसका ये मेन तार है, यानी कि ये मेन प्लग है, इसको जैसे ही मैं लगाता हूँ मेन सप्लाई में, ये डायरेक्ट ऑन हो जाता है, यानी कि इसमें कोई डिले टाइमिंग नहीं है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये इनपुट और ये आउटपुट, इसमें इसके दरमियान कोई डिले नहीं। हालांकि ये स्टेबलाइज़र में है, स्टेबलाइज़र में जो है वो डिले सिस्टम दिया हुआ था, क्योंकि इसकी जो डिले सिस्टम है वो डैमेज हो चुकी थी, तो इसलिए इसको डायरेक्ट किया गया था। तो अब मैं इसमें आपको डिले सिस्टम लगा कर दिखाऊँगा। दोस्तों, इसमें इसकी जो अभी लीड है, मैं इस स्टेबलाइज़र को चेक आपको सीरीज से इसलिए करवा रहा हूँ कि अगर खुदा ना खास्ता मुझे काम करने में ये चूँकि इसकी जो सर्किट है वो मुकम्मल तौर पर निकली हुई है, कहीं पर भी टच हो जाए तो शॉर्ट सर्किट ना हो, ये सीरीज़ की लाइट जल जाए, तो इसलिए मैं आपको ये सीरीज़ से चेक करवा रहा हूँ। तो दोस्तों, ये सीरीज़ बोर्ड बनाने का भी तरीका मैंने अपने एक वीडियो में बताया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो आप जाकर देख लें कि सीरीज़ बोर्ड किस तरीके से बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, अभी जो मेरे स्टेबलाइज़र है बिल्कुल डायरेक्ट है, यानी कि इसके दरमियान कोई डिले टाइमिंग नहीं है, कोई यानी कि 3 मिनट बाद, 2 मिनट बाद, ये 5 मिनट बाद भी ऑन नहीं होगा, ये बिल्कुल डायरेक्ट ऑन होगा। तो दोस्तों, दरअसल ये डिले टाइमर सर्किट का फ़ायदा क्या होता है, यानी इसके बेनिफिट क्या है, इसको स्टेबलाइजर्स में लगाने से हमारे जो है वो डिफ्रीज़र या फ्रिज वगैरह किस तरीके से सेव हो जाते। तो दोस्तों, आपको मैं बताता चलूं कि बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहां वोल्टेज का मसला होता है और बार बार फीडर स्ट्रिप करते हैं, यानी कि जो आपका लाइट है वो बहुत आना जाना करती है, यानी कि जो आपकी लाइट है वो बहुत ज़्यादा ही आना जाना करती है, हर 1 मिनट के बाद बाज़ात कोई फॉल्ट की वजह से आना जाना करती है। तो इससे आपके जो कंप्रेसर में है वो बहुत ज़्यादा ही लोड पड़ता है, यानी कि जो लाइट जाती है और फौरन आ जाती है, इससे आपके जो कंप्रेसर में है वो एक झटके टाइप का पड़ता है, जो कंप्रेसर के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। तो इस डिले सर्किट से ये फ़ायदा होता है कि अगर आपका जो कनेक्शन है एक दफ़ा ऑफ हो गया, यानी कि जो आपकी जो लाइट है वो एक दफ़ा चली गई, अब जब दोबारा आएगी तो 3 मिनट बाद ही उस ये स्टेबलाइजर्स को ऑन करेगा, यानी कि जो इसकी जो आउटपुट है वो 3 मिनट बाद निकालेगा। तो इससे ये होगा कि आपका कंप्रेसर बिल्कुल नॉर्मली रहेगा, इसमें कोई झटके नहीं पड़ेंगे, और अगर बार बार वोल्टेज
अप डाउन कम ज़्यादा हुआ तो इससे भी आपको कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो दोस्तों इसके ये सर्किट का ज़्यादातर यही फ़ायदा होता है। तो दोस्तों चलिए आपको मैं ये सर्किट को इंस्टॉल करके दिखाता हूँ, यानी कि इस स्टेबलाइजर्स में ये 3 मिनट की डिले टाइमर सर्किट को मैं लगा कर दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप इसे लगा सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इसका जो है मैं इसमें 12 वोल्ट इनपुट करूँगा, यानी कि जो इसका ये 2 पिन है जहाँ हमें 12 वोल्ट इन करना है वहाँ मैं 12 वोल्ट इनपुट करूँगा। तो दोस्तों इसमें आप को डीसी करंट इनपुट करने का ऑप्शन दिया हुआ है, यानी कि जो ट्रांसफार्मर से डायरेक्ट 12 वोल्ट की लीड निकल रही होगी उसे हम डायरेक्ट इसमें इन करेंगे। तो दोस्तों अब ट्रांसफार्मर में 12 वोल्ट की लीड कौन सी है इसे मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। दोस्तों इसे आप मल्टीमीटर से आसानी चेक कर सकते हैं कि ट्रांसफार्मर में 12 वोल्ट की लीड कौन सी निकल रही है। तो दोस्तों नॉर्मली जो 12 वोल्ट की लीड होती है वो ये दो सबसे जो बारीक तार होती है, यानी कि कम गेज की तार होती है, सबसे बारीक तार वो ज़्यादातर 12 वोल्ट की होती है, और आप इसे देख भी सकते हैं कि ये दोनों आमने सामने लगी हुई होती है। तो अब मैं इसे चेक करता हूँ कि ये 12 वोल्ट है कि नहीं। दोस्तों इसका जो सिलेक्शन है मैं एसी वोल्टेज में रखता हूँ, 200 वोल्ट में रखता हूँ, क्योंकि मैं अभी इसमें 12 वोल्ट चेक कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये 13.6 जैसा कि आप देख रहे हैं मल्टीमीटर में आप देख सकते हैं, ये 13.6 वोल्ट यानी तकरीबन 12 वोल्ट ही निकाल रहा है। तो दोस्तों अब मैं इसकी जो इसका जो ये मेन तार है, यानी कि जो ये 12 वोल्ट का लीड है, इसे मैं इसमें कनेक्ट कर दूंगा। तो चलिए इसे मैं आपको इसमें कनेक्ट करके दिखाता हूँ। दोस्तों याद है आपको जो ये चेक करना है वो बहुत ही एहतियात से करना है, क्योंकि इसमें करंट लगने का बहुत ही ज़्यादा चांसेस होता है। आप इसे अगर घर में इंस्टॉल करें तो बहुत ही ज़्यादा एहतियात से इंस्टॉल करें, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा एहतियात से लगाएं, क्योंकि इसमें करंट लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसमें सारे तार खुले हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो आप बिल्कुल ध्यान से इसकी जो मेन तार है उसको निकाल लें, उसके बाद इसको इंस्टॉल करें। तो दोस्तों अब मैं इसका जो एक वायर है उसको यहाँ पर सोल्ड कर देता हूँ, यानी कि यहाँ पर इससे सोल्डिंग कर देता हूँ, और जो इसका ये दूसरा वायर है 12 वोल्ट का इसे भी मैं यहाँ पर सोल्ड कर देता हूँ। तो दोस्तों ये दो लीड मैंने इसमें निकाल ली है, यानी कि ये 12 वोल्ट का लीड है। इसमें अब मैं इस 12 वोल्ट की जगह इनपुट करूँगा, यानी कि जो दो आपको इनपुट पिन नज़र आ रही है ये 12 वोल्ट है। दोस्तों अब इसे मैं इसमें कनेक्ट कर देता हूँ। दोस्तों इसमें प्लस माइनस का कोई चक्कर नहीं है, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव का कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि ये एसी करंट है, इसे आप कोई सी भी तार कहीं पर भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों मैं इसे एक यहाँ पर सोल्ड कर देता हूँ, और दूसरे वाले वायर को दोस्तों चूँकि यहाँ का जो ये सोल्ड करने का जगह है ये ख़राब हो चुका है, तो इसी से मिलता जुलता प्रिंट यहाँ पर है, तो इसे मैं यहाँ पर सोल्ड करूँगा। दोस्तों इसे मैंने यहाँ पर सोल्ड कर दिया है, इसमें यानी कि 12 वोल्ट इनपुट हो चुका है। अब मैं इसे चेक करूँगा कि ये 12 वोल्ट ठीक तरीके से इनपुट हुआ है या नहीं हुआ। तो इसकी जो मैं लीड है वो दोबारा लगाता हूँ, तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें एक लाइट दी हुई होती है, इंडिकेशन लाइट है, इंडिकेटर लाइट है, ये ग्लो हो जाती है आप जैसे इसमें 12 वोल्ट इनपुट करते हैं। दोस्तों उसके बाद जो हमारा अगला कनेक्शन होगा वो है ये 3 पिनों में हमें कनेक्ट करना है वायर, यानी कि मेन वायर को इन 3 पिनों में हमें कनेक्ट करना है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ आपको ये वायर किस तरीके से कनेक्ट करना है। दोस्तों आपको अपने मेन सर्किट में जो आउटपुट की तार होगी, यानी कि जो आपका जो आउटपुट निकल रहा होगा, आप देख सकते हैं आउटपुट मीटर में जो आपका तार जा रहा होगा या आउटपुट सॉकेट में आपका तार जा रहा होगा, उसे आपने इस सर्किट से निकाल लेना है। तो ये वाला तार हमारा आउटपुट का है जैसा कि आप देख रहे हैं, इसे मैं इस सर्किट से निकाल लेता हूँ। दोस्तों ये जो आखिरी वाला रिले होता है, यानी कि जो टाइमर रिले होता है, उसके बीच वाले पिन में लगा हुआ होता है, यानी कि जो रिले का 3 पिन एक साथ होता है उसके जो बीच में बीच वाली पिन होती है उसमें ज़्यादातर ये तार लगा हुआ होता है। तो इसे मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। तो दोस्तों ये मैंने आउटपुट का तार निकाल लिया है, इसे मैं अभी अलग कर देता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको इसमें कैसे कनेक्ट करना है। तो दोस्तों आपको एक वायर लेनी है, ये वायर थोड़ी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए क्योंकि इसमें लोड रहेगा। तो इसे मैं उसी जगह कनेक्ट करूँगा जहाँ से मैंने ये आउटपुट का वायर निकाला था। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने इस जगह से आउटपुट का वायर निकाला था, तो इसे मैं इसी जगह पर ही कनेक्ट करता हूँ। इसे मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है,
यानी कि यहाँ पर मैंने इसको सोल्ड कर दिया है दोस्तों। अब इसका जो ये वाला वायर है, यानी कि जो मैं इसकी जो मेन लीड निकाला हूँ, जो आउटपुट से हटाकर मैंने इसकी जगह लगाई थी, वो इसे मैं रिले के बीच वाले पिन में लगा दूंगा। यानी कि जो ये बीच वाला पिन है, तीन पिन आपको नज़र आ रहे हैं, इसमें से जो ये बीच वाला पिन है, इसमें मैं ये वायर को कनेक्ट कर देता हूँ, यानी कि इसमें मैं इसे सोल्ड कर देता हूँ। तो चलिए इसे मैं आपको सोल्ड करके दिखाता हूँ। दोस्तों इसकी जो मेन लीड है, यानी कि जो मैंने इसकी आउटपुट की तार निकाल कर अलग से रखी हुई थी, उसकी जगह बिल्कुल सेम मैंने इस तार को कनेक्ट करके इस रिले के बीच वाले पिन से कनेक्ट कर दिया है। यानी कि जो आपको ये तीन कनेक्शन का पिन नज़र आएगा, इसमें से बीच वाले में मैंने उस तार को कनेक्ट किया है जो मैंने आउटपुट का निकाल कर साइड में रख दिया था, उसी की जगह मैंने यहाँ से एक वायर उठा कर यहां कनेक्ट कर दिया है दोस्तों। अब जो हमारा दूसरा स्टेप होगा वो ये है कि ये वाली वायर को, यानी कि जो हमने आउटपुट की वायर निकाली थी, उसे हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, यानी कि पहले वाले पिन में। दोस्तों आप देख रहे हैं ये हमारा पहला पिन है, हम इसे यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। तो इसे मैं यहाँ पर सोल्ड कर देता हूँ। दोस्तों इसे मैंने यहाँ पर सोल्ड कर दिया है दोस्तों। अब जो हमारा ये कॉर्नर वाला पिन बचता है, वो बेसिकली इसलिए बचता है क्योंकि हमारा जो स्टेबलाइजर है वो जब तक डिले में रहेगा, यानी कि जो इसकी जो सर्किट है वो डिले में रहेगी, आउटपुट नहीं आएगा, तब तक यहाँ पर एक रेड लाइट शो होगी। उसका मतलब ये है कि ये जो हमारा स्टेबलाइजर है वो बेसिकली अभी डिले में है, और जैसे ही हमारी सर्किट ऑन हो जाएगी, यानी कि जो इसका डिले टाइमर सर्किट है वो कट ऑफ हो जाएगा, वो यहाँ पर हमारी एक दूसरी लाइट शो होगी। उसका मतलब ये है कि हमारा जो स्टेबलाइजर है वो नॉर्मल हो चुका है, यानी डिले से हटकर नॉर्मल में आ चुका है। तो दोस्तों इसे मैंने प्रॉपर बिल्कुल मुकम्मल तौर पर कनेक्ट कर दिया है, यानी कि इसकी जो सारी कनेक्शन है वो आपस में कनेक्ट कर दी है। अब मैं इसे आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ कि ये सही इंस्टॉल हुआ है, ये सही लगा है कि नहीं लगा है। दोस्तों याद है, इसे आपको बिल्कुल एहतियात से रखना है, क्योंकि इसकी जो पीछे की सोल्डिंग है वो आपस में टच ना हो या कहीं बॉडी पर टच ना हो, क्योंकि शॉर्ट सर्किट के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। तो इसे मैं यहाँ पर इस तरीके से रख देता हूँ। दोस्तों याद है, इसे बिल्कुल आपने एहतियात से रखनी है, ये कहीं पर टच ना हो। तो दोस्तों अब इसकी जो मैं वायर है उसे मेन सप्लाई में कनेक्ट करता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक वाइट लाइट ग्लो हो चुकी है, और आपको मैं दिखाता चलूँ कि ये जो स्टेबलाइजर है ये अभी सिर्फ इनपुट दे रहा है, आउटपुट वोल्टेज अभी नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो स्टेबलाइजर है वो अभी डिले में है। तो ये अभी कुछ देर बाद, एक दो या तीन मिनट बाद ये नॉर्मल पर आ जाएगा। दोस्तों इसका जो टाइमिंग है वो इस वेरिएबल रजिस्टर के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि आपने इसे किस तरीके से सेट किया हुआ। दोस्तों इसे आप टेस्टर की मदद से या स्क्रू ड्राइवर की मदद से घुमाकर सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी मैंने इसे बहुत कम टाइम पर सेट किया हुआ है, क्योंकि आपको दिखाना है। तो दोस्तों ये वेरिएबल रजिस्टर की एक टाइप है, जिसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है कि कौन सी रजिस्टर किस टाइप की होती है और हम इसे कहाँ यूज़ करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको नहीं पता है कि ये वेरिएबल रजिस्टर क्या होता है, तो मेरी आप वो वाली वीडियो जाकर देख लें, आपको समझ में आ जाएगा कि ये वेरिएबल रजिस्टर क्या होता है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें एक टिक की आवाज़ आई है और ये कट ऑफ हो चुका है, यानी कि जो ये लाइट है ये ऑफ हो गई है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो सर्किट है वो कट ऑफ हो गया है, नॉर्मल पर आ गया है, और यहाँ पर भी एक लाइट मैंने इंडिकेशन के लिए लगाया हुआ है, ये ग्लो हो चुका है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं, इसका जो आउटपुट है वो भी ऑन हो चुका है, यानी कि पहले सिर्फ इनपुट ऑन था, अभी ये आउटपुट भी ऑन हो चुका है। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि हमारा जो सर्किट है वो बिल्कुल प्रॉपर तौर पर वर्क कर रहा है। दोस्तों जैसे ही मैं इसका स्विच ऑफ करूँगा, मैं आपको ऑफ करके दिखाता हूँ कि ये टाइमर का क्या फ़ायदा होता है, यानी कि ये टाइमर सर्किट, ये डिले सर्किट का हमें क्या फ़ायदा होता है। तो दोस्तों इसका जो स्विच है वो मैं अभी ऑफ करता हूँ। तो आप देख रहे हैं ये दोनों मीटर ऑफ हो चुके हैं। अब मैं इसे ऑन करता हूँ, तो इसका सिर्फ इनपुट ऑन होगा, आउटपुट वही एक दो या तीन मिनट बाद जिस हिसाब से मैं इसे सेट करूँगा उस हिसाब से ऑन होगा। तो दोस्तों इसका बहुत बड़ा फ़ायदा मैंने आपको बताया कि क्या होता है। तो दोस्तों अब इसे मैं बार बार ऑन ऑफ़ करता हूं, तो इसकी जो आउटपुट है वो अपनी जगह रुकी हुई है, लेकिन इनपुट ऑन ऑफ हो रहा है। तो इससे हमारे डिफ्रीज़र फ्रिज या कोई भी लोड वाली चीज़ में असर ज़्यादा नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया कि तीन मिनट का डिले सर्किट आप अपने स्टेबलाइजर में खुद किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं या लगा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये तरीका पसंद आया होगा और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिल सके। दोस्तों मिलते हैं अगले नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।